हाय अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट डिज़ाइन पे आ गए हैं। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, हमें काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि कोई छोटे बच्चों का स्वेटर हम आपको बना के दिखाएं। आप इस डिज़ाइन के सैम्पल का लुक देख सकते हो, बनने के बाद इस तरह से दिख रहा है। ये 6 सिलाई का डिज़ाइन है और 20 फंदों पे हमने आपको ये डिज़ाइन बना के दिखाया है और साइड का एक एक फंदा हमने छोड़ा है, यानी कि 18 फंदों पे ये डिज़ाइन बनाया है। अब हम सीधा ट्यूटोरियल पे चलते हैं। पहली सिलाई सीधी बुनी है, इसमें हमने सबसे पहले 2 फंदे बुने, फिर ऊन आगे ला करके एक फंदा जैसा हम सीधा बुनते हैं उसको इस तरह से उतारेंगे और दूसरा फंदा हम उसे बुनेंगे और जो हमने बिना बुने उतारा है उसको हम इस तरह से इसके ऊपर से उतार देंगे। उसके बाद हम 3 फंदे प्लेन बुनेंगे, 1, 2 और ये 3। 3 फंदे बुनने के बाद में ये जो 1 और 1, 2 फंदे हैं इन दोनों को हम एक साथ बुनेंगे। उसके बाद ऊन आगे लाएंगे और इसमें इस तरह से जाली डालेंगे। इसके बाद एक फंदा बीच में हम छोड़ेंगे और फिर इसको छोड़ने के बाद हम इसमें जाली डालेंगे। जाली डालने के लिए हम ऊन आगे लाएंगे, एक फंदा बिना बुने छोड़ेंगे और दूसरा फंदा हम बुनेंगे और जो पहला फंदा बिना बुने उतारा था उसे हम इसके ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। यहाँ पे हमारी सेकेंड जाली चालू हो गई है। इसके बाद जैसे हमने शुरू में किया था 3 फंदे उतारे थे वैसे हम उतार देंगे। 3 फंदे उतारने के बाद में हम 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 करने के बाद हम ऊन आगे लाएंगे और फंदा बढ़ाते हुए जाली डाल देंगे और अब हमारे 20 के 20 फंदे हो गए हैं और पहली सिलाई कंप्लीट हुई। हम आते हैं दूसरी सिलाई की तरफ। दूसरी सिलाई हमें प्लेन उल्टी बुननी होगी जैसी हम अब तक बुनते आए और जो जाली का फंदा है उसे भी बुन लेंगे, उसे भी नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से दूसरी सिलाई कंप्लीट करके हम पहुंचेंगे तीसरी सीधी सिलाई की तरफ। पहली सिलाई में हमने शुरू के 2 फंदे प्लेन छोड़े थे, तीसरी सिलाई में हम 3 फंदे प्लेन छोड़ेंगे क्योंकि हमें जाली टेढ़ी बनानी है। अब ये जो जाली आ गई है इसमें ऊन आगे लाएंगे, एक फंदा उतारेंगे, फिर दूसरा फंदा बुनेंगे और फिर जो पहला बिना बुना फंदा है उसे इसके ऊपर से उतारेंगे। उसके बाद पहले हमने 3 फंदे छोड़े थे, अब हम एक फंदा प्लेन बुनेंगे, फिर ये 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे, फिर ऊन आगे लाके 1 फंदा बुनेंगे और अब हम 3 फंदे बीच में बुनेंगे। देखिए जाली आ गई है, ऊन आगे लाए, फंदा उतारा, दूसरा फंदा बुना और फिर पहले फंदे को बिना बुने जो फंदा था उसको इसके ऊपर से बुन दिया। उसके बाद 1 फंदा हम प्लेन बुनेंगे, फिर 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे, ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और फिर 2 फंदे लास्ट में प्लेन बुन देंगे। इस तरह से तीसरी सिलाई कंप्लीट करके हम पहुंचेंगे चौथी सिलाई की तरफ और चौथी सिलाई हमें दूसरी सिलाई के जैसी बुननी है, सेम टू सेम। अब हम आते हैं पांचवी सिलाई की तरफ। पांचवी सिलाई हमें सीधी बुननी होगी। पांचवी सिलाई में देखिए 1, 2, 3 और 4 फंदे हमें सीधे बुनने होंगे। अब जो जाली आ गई है उसमें ऊन आगे करके 1 फंदा उतारेंगे और जो 2 फंदे हैं उनको हम एक साथ यही बुनेंगे और इस फंदे को हम इसके ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। उसके बाद ये जाली आ गई है, इसमें हम जाली डाल देंगे और फिर 5 प्लेन फंदे बनेंगे और ये हमने 5 फंदे बुन लिए। उसके बाद ऊन आगे लाके जैसे हमने पहले किया था 1 फंदा उतारा और इन 2 फंदों का हम 1 करेंगे और जो बिना बुना फंदा छोड़ा था उसको हम इसके ऊपर से उतार देंगे। ये जाली आ गई है, जाली के ऊपर हम जाली डालेंगे और बाकी फंदे हम प्लेन बुन देंगे। इस तरह से 5वीं सिलाई कंप्लीट करके हम पहुंचेंगे 6ठी सिलाई पे। 6ठी सिलाई हमें प्लेन उल्टी बुननी है जैसे हम अब तक दूसरी और चौथी बुनते आए हैं और जैसा मैंने वीडियो के पहले बताया 6 सिलाई में जाके ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। 6 सिलाई में जाके हमारी ये 3 जाली तैयार हो गई है। अब 7वीं सिलाई हम पहली सिलाई के जैसे बुनेंगे और ये डिज़ाइन ना केवल हम सिर्फ बच्चों के स्वेटर में बल्कि गर्ल्स के स्वेटर में, बॉयज़ के स्वेटर में, जेंट्स के स्वेटर में, लेडीज़ के स्वेटर में, शॉल में, मफलर में, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे ये वीडियो एंड होता है। आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।